नमस्कार। दिन के दूसरे पहर का वक्त है और ये वो वक्त है जब उत्तर प्रदेश देखता है मेरा गांव मेरा देश है का यूपी एडिशन। इस एडिशन के जरिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम उन विधानसभा सीटों के बारे में जहां पर चुनाव होने को है। तो ऐसे में दो चरण के मतदान उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। दो चरणों में क्या कुछ रहा क्या कुछ नहीं रहा ये हम आपको बता चुके हैं। कार्यक्रम के बीच में हम चर्चा करते हैं, चर्चा में हम बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनावी मौसम चुनावी माहौल क्या है, क्या सर्द है क्या गर्मी की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही अब जैसे जैसे चुनाव तीसरे चरण की ओर बढ़ रहा है, 20 तारीख को तीसरे चरण का मतदान होना है, ऐसे में झांसी के ललितपुर की ये विधानसभा सीट अहम हो जाती है। रामरतन कुशवाहा साहब 2017 में यहां से जीते थे, लेकिन क्या 2017 में जो वादे और दावे उन्होंने किए थे, 156,000 वोट उन्होंने पाए थे, क्या 156,000 मतदाताओं से, उन मतदाताओं ने जो इन पर भरोसा जताया, क्या वो रामरतन कुशवाहा साहब पूरे कर पाए, ये जानना तो बेहद अहम है। लेकिन यह जानना भी अहम है कि क्या यहां की जनता प्रदेश नेतृत्व से प्रदेश सरकार से खुश है, क्या प्रदेश सरकार के पास सत्ता की जो चाबी है बरकरार रहने वाली है, या फिर यहां की जनता सत्ता परिवर्तन की ओर देख रही है, क्या हाथी दौड़ेगा क्या साइकिल चलेगी या फिर क्या भगवा झंडा लहराएगा, इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर साहब जुड़ेंगे और जुड़ेंगे आम दर्शक। आम दर्शक हमको ये बताएंगे कि आखिर माहौल क्या है, और रिपोर्टर साहब हमको ये बताएंगे रुपेश जैन साहब कि आखिर यहाँ का समीकरण क्या है, यहाँ पर माहौल क्या चल रहा है, यहाँ पर कौन से नेता की कौन सी वाणी का क्या प्रकोप है, कौन से नेता का दबदबा है और बाकी क्या कुछ है, इन सभी को लेकर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसा कि हम हमेशा दिखाते हैं तस्वीरें दिखाएंगे और तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर दिखता कैसा है। तो दिखता कैसा है ये आपको बताने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बता सकें कि किस तरीके से ललितपुर दिखता है, क्या है ललितपुर में। ऐसी विधानसभा दिखती है क्या, कुछ खास नजर आ रहा है इसमें, आप ये खुद जोड़ तोड़ गुणा भाग सब कुछ कर लीजिएगा, लेकिन ये विधानसभा कुछ अपने आप में क्या कमाल धारण किए हुए है ये दिखाना बेहतर हो जाता है। क्योंकि जब हम बीते दिनों मैनपुरी विधानसभा की बात कर रहे थे तो मैनपुरी विधानसभा में कुछ अलग तस्वीरें दिख रही थी, काफी विकास दिख रहा था, लेकिन क्या ललितपुर में वैसा कुछ देखने को मिल रहा है, ये अब आप खुद इसका निर्णय कीजिए। लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता रुपेश जैन जुड़ेंगे और जुड़ेंगे आम दर्शक, इनको स्क्रीन पर लीजिएगा। डायरेक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको आवाज मिल रही है मेरी, रुपेश जैन साहब? रुपेश जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी, रुपेश जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो रुपेश जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, कनेक्शन को फिक्स कराएंगे, दोबारा वापस लौटेंगे। ऑडियो फिक्सिंग की समस्या आ रही है, यहां पर फिक्स कराएंगे उसको प्लीज। तो ये तहसील दिखा रहे हैं आपको, मडावरा की तहसील है, बाकी ललितपुर में क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर बातचीत है, चर्चा है, चुनावी माहौल है चुनावी मौसम है, 20 तारीख को चुनाव होने हैं उसको लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में रुपेश जैन साहब को थोड़ा सा विराम देंगे और आम जनता हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। और बाकी जो हमारे अलग साथी हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। नमस्कार नमस्कार। चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है आपका, शानदार। धन्यवाद। बहुत बढ़िया चश्मा है। इसी चश्मे से बताइए कि आप क्या देख पा रहे हैं, कि किसका क्या माहौल चल रहा है ललितपुर में, क्या सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है या फिर एक बार फिर यहां पर सत्ता जो है वो बरकरार रहने वाली है भाजपा के पास। हमारे मेहरौली विधानसभा, नाम बता के फिर शुरू करेंगे, नाम बता के फिर चलेंगे। हाँ
हमारी मेहरौली विधानसभा में जितने भी अभी समीकरण देखने को मिल रहे हैं, जहां पर कोई भी गांव में, हाँ ठीक है भाई हमारे बात रख रहे हैं, आप तब तक विजुअल चलाइएगा, डायरेक्टर साहब आप विजुअल चलाइए, भाई आप बात रखिए अपनी, जी आप बोलिए। हाँ, हमारी मेहरौली विधानसभा में जिस भी गांव में अभी जिस पार्टी का विरोध हो रहा है, जिस विधायक का बीजेपी में, तो वही क्या बोलते हैं, योगी और मोदी के नाम से लोग वोट दे रहे हैं। लगभग हमारे इधर ऐसा समीकरण देखने को मिल रहा है कि लोग ठीक है क्या है, हमारे इधर जितने भी लोग हैं कुछ जाति को लेकर कर रहे हैं, कोई बहुजन समाज पार्टी को, ज्यादातर जाति वाला समीकरण अलग दिख रहा है, और अपनी बात कुछ लोग मोदी और योगी से खुश हैं कि उनके द्वारा फ्री राशन बांटा गया, उनके क्षेत्र में काम कराया गया, लेकिन उनका ये भी कहना है कि विधायक द्वारा हमारे विधानसभा में कोई भी काम नहीं कराया गया, विधायक को जहां पर गाली मिल रही है तो वही योगी मोदी के नाम से वोट भी मिल रहे हैं। जो हम बात कर रहे हैं ललितपुर की जरूर कर रहे हैं, लेकिन ललितपुर के अंदर जो मेहरौली विधानसभा है वहां का हम स्पेसिफिक तौर पर वहां की जांच पड़ताल कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन पर लीजिएगा जरा, रुपेश जैन हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में, हमारे संवाददाता है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साहब आप बढ़िया गमछा है आपका, अब ये बताइए कि आपकी नजर में विधानसभा का क्या माहौल है, क्या हालचाल है? देखने को नजर आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी का माहौल ज्यादा दिख रहा है हमारे इधर, बहुजन हाथी दौड़ेगा, लेकिन हाथी इस बार साहब थोड़ा सा ना सुस्त नजर आ रहा है, लेकिन इधर हाथी का कुछ बस इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि विधायक द्वारा इतने खुल के काम नहीं किए गए, और जो बहुजन समाज पार्टी से जिसको चुना गया है उसके द्वारा पहले भी समाज सेवा की गई, इसलिए लोग उसको चुनना पसंद कर रहे हैं। अच्छा ठीक है साहब, आप नाम बता दीजिए और ये बताइएगा आप करते क्या हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब जीविका के लिए हर कोई कुछ ना कुछ करता है, तो आप करते क्या है उस हिसाब से? जी सर आप ही से बात कर रहा हूं मैं। जी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी सर। मैं ये कह रहा हूँ आप नाम बता दीजिएगा अपना और फिर बताइएगा कि आप करते क्या है, मतलब आप छात्र हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? हम समाज सेवी हैं और हमारा नाम है निशुदी। ठीक है, और एक और हमारे साथ साथी हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त स्क्रीन पर हैं, आप सर बताइएगा कि इस वक्त मेहरौली में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके का माहौल है, सियासी क्या ताप आप समझ रहे हैं? मैं ललितपुर जिले की सबसे पिछड़ी तहसील और एकदम ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा नाम शिव कुमार त्रिपाठी है, और देखा जाए तो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, मेरा मुख्य काम कृषि है। तो पिछड़े क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री भी रहे हैं इसके बाद भी उन्होंने क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया है, और ना ही उन्होंने किसी आम आदमी की बात सुनी है। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर भाजपा जो प्रत्याशी है, ठीक है आप कृषि से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लीजिए। निस्वार्थ तरीके से भाजपा प्रत्याशी लगातार जनसेवा में जुटा रहा है, और अब चूंकि भाजपा का जो वोट बैंक है वो अलग चीज है, वो तो उसका रिजर्व है ही है, जिसके अलावा जो असंतुष्ट लोग हैं
उनका रुझान भी भाजपा प्रत्याशी की ओर जाता है। वहीं भाजपा प्रत्याशी इस समय चूंकि उनके पति जेल में है, उसकी भी लोगों की हमदर्दी मिल रही है। अच्छा, और साथ में जो उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी हैं, उनके साथ चलने वाले लोगों ने भी काफी लोगों के साथ जाती की, ऐसा लोगों का कहना है। ठीक है साहब, मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि मैं ठीक है मैं ये देखिए ऐसे ही चीजों में पकड़ने की कोशिश करता हूँ। आपने कहा कि आप कृषि से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस सरकार में एक किसान के तौर पर अगर मैं देखूं, आप डायरेक्ट जुड़े हो इनडायरेक्ट जुड़े हो बहुत तरीके होते हैं, जबकि 75% व्यक्ति जो है उत्तर प्रदेश के बात करो तो कृषि से ही जुड़ा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब आप ये बताइएगा कि किसान जो है इस वक्त क्या सोच रहा है सरकार को लेकर, क्योंकि किसान जो है ऊपर परसेप्शन ये है कि किसान बड़ा नाराज है। जी जी, तो मैं बता दूं, मैं सबसे पिछड़े क्षेत्र से हूं और किसानों का दुख दर्द यहां तक मैंने खुद झेला है। खाद के समय काफी लोग परेशान रहे और खाद के समय में जब मंत्री जी से लोगों ने गुहार लगाई कि भाई समस्या का हल निकालिए, तमाम प्रकार की चीजें हुई, जिसके बाद मंत्री के जवाब बड़े उल्टे सीधे रहे। यहाँ तक कि मंत्री जी ने यह तक कह दिया था कि आपको वोट देना हो देना, मत देना हो मत देना, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये बताइए किसानों तो की किसानों की साहब सबसे बड़ी समस्या क्या है? अब किसानों पर ही थोड़ी देर बात कर लेते हैं, किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जी जी, किसानों की सबसे बड़ी समस्या एक तो उसका जो गल्ला है वो उचित रेट पर नहीं बिक पाता, उसकी वजह है व्यापारियों का पुल होना। जैसे मंडी है, सबसे बड़ी एक अनियमितता जो होती है कि जो व्यापारी होते हैं उन्हें मंडी में बैठना चाहिए, वहां किसानों का नीलामी के द्वारा गल्ला खरीदना चाहिए, लेकिन स्थिति यह है कि वो व्यापारी मात्र लाइसेंस लेके आम रोड के किनारे बैठकर किसानों का गल्ला खरीद रहे हैं। साहब, ये तीन जो कृषि कानून थे जो प्रधानमंत्री ने वापस ले लिए, इससे आपको क्या लग रहा है कि भला हो सकता था? जी जी, या ठीक रहा कि वापस ले लिए? नहीं नहीं नहीं, तीन कृषि कानून पर चूंकि हमारे क्षेत्र में लोग उतने जागरूक या पढ़े लिखे नहीं है, तो उनका अच्छा या बुरा क्या फायदा था ये तो अभी तक कोई जान ही नहीं पाया। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री ने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने जब वापस किए थे तो कहा था कि हम समझा नहीं पाए ढंग से, ये हमारी गलती है, इसके लिए उन्होंने माफी मांगी थी। लेकिन मेरी नजर में साहब आप बताइएगा जी, सबसे बड़े अगर किसानों के कोई दुश्मन हैं तो दो ही हैं, एक तो वो हो गए जो पैसा ब्याज पर बांटने का काम करते हैं जमींदार लोग जो है साहूकार जो है, वो हो गए, और दूसरी हो गई सरकारें। सरकारों ने कभी पूरे अच्छी नीयत से साफ नीयत से कभी किसानों के बारे में सोचा ही नहीं। अगर एक चीज ठीक की तो दूसरी गड़बड़, दूसरी ठीक की तो तीसरी गड़बड़, तीसरी ठीक की तो चौथी गड़बड़। और ये जो पैसा बांटने वाला जो खेल करते हैं, सबसे पहले तो इसको समझना होगा कि किसानी का जो कृषि का जो जुड़े हुए लोग हैं जो डायरेक्ट किसानी करते हैं, ये दरअसल पूरा अगर किसानी जो है ये 4 महीने की ही है, ऐसा नहीं है कि साल भर किसानी ही चल रही है, किसानी 4 महीने का है केवल, बाकी 8 महीने अलग चीज है। 4 महीने की किसानी, और एक बड़ी प्रकृति ने बड़ी एक शानदार चीज बनाई है कि जब किसान फसल काटता है किसी भी चीज की, फसल काटता है जब तक उसके पास पैसा आता है तब तक एक बड़ा त्योहार आ जाता है। ये देखिए, जब तक वो चावल काटेगा तब तक कोई और बड़ा त्योहार आ जाएगा, उसका चावल बिक भी नहीं पाएगा, त्योहार यहाँ सब पे खड़ा है। और यहाँ जब तक अभी विंटर क्रॉप काटेगा, जब तक सर्दियों का जब तक काटेगा तब तक ये होली आकर खड़ी है। और इसका फायदा उठाते हैं वो लोग जो पैसा ब्याज पर बांटते हैं। ये क्या करेंगे कि आप सोचेंगे कि कब जाएगा कब बिकेगा, वो कहते हैं कि लाइए ये हमें दे दीजिए, ये पैसा पकड़िए आप, और आपने जो ब्याज पर लिया होगा वो सब माफ। तो ये जो संकट है ये बड़ा संकट है, इस पूरे संकट को काटना बहुत दरअसल जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसान कर्ज में दब जाता है। और ये जो जितने लोग बैठे हैं ये दरअसल एक तरीके से भेड़िए हैं जो किसानों को खाने के लिए बैठे हैं। इन्हें सबसे आसान खाना दिखता है किसान, इन्हें पता है कि पैसा कैसे लूटना है किसानों से और किसानों को कैसे कर्ज के बोझ में दबाना है। ठीक है, रुपेश जैन भी हमारे साथ है, साहब मैं आपके पास वापस लौटता हूँ। रुपेश जैन, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है रुपेश जी? जी आ रही है सर, आ गई। ठीक है रुपेश जी, सबसे पहले तो आप ऊपरी ऊपरी समझाइए कि इस वक्त
पूरे ललितपुर का बताइएगा, फिर मैरोली विधानसभा का बताइए कि चल क्या रहा है, कैसा आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप जो हैं आपका इस पार्टी से भी मिलना है, उस पार्टी से भी मिलना है, इधर नेता के साथ भी चाय बिस्कुट है, उधर नेता के साथ भी मारी गोल्ड है, तो अब ये बताइए कि आप क्या समझ रहे हैं, कि कैसा क्या कुछ चल रहा है, इसको थोड़ा समझाइएगा। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो है जनपद ललितपुर में दो विधानसभाएं हैं, नंबर एक 226 सदर विधानसभा, तो वही 227 मेहरौनी विधानसभा पड़ती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो है जनपद ललितपुर में लगभग 8.5 वोटर्स हैं जो दोनों ही विधायकों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। आगामी 20 फरवरी को हमारे यहाँ पे मतदान होने वाला है। अगर हम बात करें जो है भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाजवादी पार्टी की या फिर कांग्रेस की, तो यहाँ पे चारों जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। इसके बाद अगर हम देखें 226 सदर विधानसभा की, तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे जो है दिन मतदान के करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आज की अगर आप बात करें तो केवल दो कोणीय मुकाबला रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम मेहरौनी विधानसभा की बात करते हैं, तो वहां पर भी अभी कुछ दिन पहले त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन अभी कल यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं और उन्होंने यहाँ पे जनसभा को संबोधन किया। उसके बाद जैसे 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 समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे अब वहां पर भी जो है मेहरौनी विधानसभा की बात करें तो वहां पर भी दो कोणीय मुकाबला माना जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यही फायदा होता है, एक जो बड़ा जमीन से जुड़ा हुआ जो संवाददाता होता है, पत्रकार होता है, उसका यही फायदा है। आपने पूरी एक लाइन में एक बार बोलना शुरू किया, आपने ऐसे समझा दिया, अब मुझे लग रहा है कि मैं खुद वहीं का निवासी हूँ, सब जानता हूँ इस विधानसभा के बारे में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब, आप जो चश्मे वाले भाई साहब हैं, आप ऐसे लग रहे हैं जैसे बॉलीवुड को कोई स्टार बैठा दिया है। अरे सर, अभी तक आपने अपने ये नहीं बताया कि पेशे के बारे में नहीं बताया, थोड़ा सा उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। हमारा व्यवसाय यही है, कोई मार्केटिंग वाला कुछ भी धंधा वंदा छोटा है। हाँ, उतना बड़ा कुछ नहीं है। मतलब आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, मतलब व्यापार से हैं? बिजनेस से जुड़े हुए हैं और समाज सेवा करते रहते हैं। समाज सेवा कैसे होती है ये बताइए जरा मुझे। समाज सेवा ऐसे होती है, जो जरूरतमंद रहता है, खाने पीने को नहीं रहता है, तो उसके पास जाओ, थोड़ी बहुत कपड़े दान कर दो, खाना खिला दो, जितना अपन से हो सके उतना तो कर सकते हैं, इसी में समाज सेवा जोड़ ली जाती है। अच्छा, नहीं आजकल समाज सेवा की जो प्रोफाइल है ये हम देखते हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया नेताओं के अंदर समाज सेवा की प्रोफाइल लगी रहती है। अभी थोड़े दिनों पहले हम गए थे जरा प्रचार करने के लिए। नहीं, हम हापुड़ गए थे, आपको व्यक्तिगत बताता हूँ। एक अपना हापुड़ गए थे, हापुड़ में तो हापुड़ में ऐसे ही चुनाव कवर कर रहे थे, तो वहां पर 10 गाड़ियों से एक काफिला निकल रहा था, तो सबसे आगे बैठे थे नेताजी, तो हमसे टकरा गए, हमने रोक लिया, हमने नेताजी रुकिए जरा, सपा का झंडा लगा था, हमने नेताजी से बातचीत करते रहे, हमने नेताजी और भी आपके कुछ होंगे काम वाम बिजनेस, नेताजी बोले काम कुछ नहीं है, बस समाज सेवा करते हैं। ये कौन सी समाज सेवा है, तब से हम भी ढूंढ रहे हैं समाज सेवा की नौकरी आखिर मिल कहाँ रही है, जिससे 10 आ सके, सोने की चेन आ सके मोटी, समझ में नहीं आता ये कैसी समाज सेवा है। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने हिसाब से, हर एक कोई अपने प्रचार के लिए समाज सेवा करता है, कोई अपने मन के आप, से, आप बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया आपने इसको डिफरेंशिएट किया कि दो तरीके की समाज सेवा, एक है प्रचार वाली समाज सेवा, एक है जो सच में समाज सेवा की जाती है। बिल्कुल ठीक ना साहब। अब ये बताइए जो स्वयं से, हाँ अब युवाओं के थोड़ा सा, युवाओं के संदर्भ से थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा कि एक युवा क्या सोच रहा है, क्योंकि जो आपके ऊपर जो आपको दिख रहा है खिड़की में, ये किसान है हमारे, इन्होंने तो बता दिया अपना की जो समस्या है, एक युवा के तौर पर आप बताइए कि युवाओं को किस सरकार में अपना भविष्य सुरक्षित नजर आता है। सबसे पहले तो एक सेकंड रुकूंगा, वो वाले ठीक है, वो वाले भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि प्रियंका गांधी पिंक स्कूटी देंगी, अखिलेश भैया काला लैपटॉप देंगे, और योगी जी भी आजकल वो भूरा वाला लैपटॉप देंगे, वो वाली मतलब और कुछ विकास के कारण में। सबसे पहले युवा देश में अपनी अहम भूमिका निभाता है, और युवा का उल्टा करो तो वायु होता है, और युवा के हित में कोई भी नेता कोई भी व्यवसाय नहीं करता। मान लो ऐसा कोई नेता भी नहीं है जो गरीब हो, सबके पास लाखों
करोड़ों रुपए रहते हैं, अरे एक आध कोई भी क्षेत्र में आप कोई उद्योग डाल दें ताकि जो आपके क्षेत्र के वासी बाहर काम करने जा रहे हैं वहीं पे काम करते रहे, ये रोजगार मिले। रोजगार देने की कई प्रक्रिया है, लेकिन अगर वो रोजगार दे देंगे तो फिर उनका प्रचार प्रसार कौन करेगा? जो कार्यकर्ता इधर उधर भटकते हैं वो बेरोजगार घूमते हैं, उनके अलग से कोई गुनी होते, सबको रोजगार मिल जाएगा, सब अपने काम धंधे में लगे रहेंगे। तो ये जो 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 आजकल दिखते हैं मुझे कार्यकर्ता, ये झंडा बैनर दरी लगाना और पर्चा बांटना, ये समझ नहीं पा रहे इस बात को क्या है इनका, क्योंकि इनको टिकट नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ आज की जो राजनीति हो चुकी है जिस प्रकार की, ये 20 साल 25 साल मेहनत करते रहेंगे और मुंबई के कोई सेठ जी आएंगे उन्हें टिकट मिल जाएगा, यहाँ पर इन्हें नहीं मिलेगा, है कि नहीं? हमेशा राजतंत्र यही है सर, आपकी बात में जो जिसका हमेशा मात में रहता है, जो बड़ा आदमी रहता है उसी को टिकट मिलती है, नीचे वाले वो क्यों देंगे? वो अपनी पार्टी की छवि थोड़ी खराब करेंगे, जिसका वर्चस्व है उसी को देकर अपनी पार्टी जिताने का प्रयास करेंगे। और आजकल तो बड़ा चीजें बदल गई हैं। आजकल चीजें कैसे बदल गई हैं? आप तीनों लोग सुनिएगा अगर सुन सके तो, इसके माध्यम से दर्शकों को बताते हैं। आजकल आपने देखा होगा, रुपेश जी आपने भी देखा होगा कि पहले, आज से अगर मैं एक दशक पहले की बात करूं, जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे तब अखबारों में पढ़ते थे कि फलानी जगह पर बदमाश ने बूथ कैप्चर कर लिया, फलानी जगह पर बदमाश ने इलेक्शन एजेंट को ही पीट दिया, पता चला वो वहां पर पर्चा डालने गई थी चार लोग, तो चारों को खुद ही पकड़ लिया, चारों के पर्चा खुद ही डाल दिए। तो ये गुंडे बदमाश करते थे, माफिया लोग ये काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे अब समय ऐसा बदल चुका है कि यही सब माफिया आजकल टिकट लेकर घूम रहे हैं और पार्टियां भी कुछ नहीं कर सकती। पार्टियां जो पहले इनसे ये काम करवाती थी बूथ कैप्चरिंग का, गुंडागर्दी का, चुनाव को प्रभावित करवाने का, अब आजकल इन्हें टिकट देना पड़ जाता है, क्योंकि माफिया भी समझ गए हैं कि जब करते सब कुछ हम ही हैं तो फिर चुनाव भी हम ही ना लड़ लें क्यों भैया? ये बात तो सही बोली। क्या है, जो गुंडे रहते हैं उनका वर्चस्व रहता है और डर रहता है, हाँ, उनके पास पैसा भी है, बाहुबल भी है, हाँ। बस, और जो भी पार्टी के पास जाते वो टिकट मांगने के, यार इनका वर्चस्व भी है, पैसा भी है और लोग डरते भी है, उनको दे दो, क्या पता अपन विधायक बन जाए, अपने अपनी भी सीट हो जाए, ये रहता है। और हमेशा पैसे वालों के लिए ज्यादातर रहता है, गरीबों के लिए कुछ भी काम नहीं होता, कोई भी सरकार हो, सरकार में सब अपना अपना सोचती है। अब सबसे पहले जैसे दिल्ली की बात करें अपन, वहां पे पहले भी दिल्ली के अभी भी रोड खराब है, कभी कभार जाते हैं कुछ रोड बहुत ही खराब है, लेकिन वहां पे जो मेन चीज है शिक्षक और सामुदायिक केंद्र, ये चीजें की व्यवस्था अच्छी है। अगर लोगों के पास रोजगार और शिक्षा रहेगी, पहली बात पहले शिक्षा रहेगी तो रोजगार तो वैसे ही आदमी को मिल जाएगा, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा रहेगा। अब जैसे आपने अभी कृषि कानून की बात की थी, हमारे क्षेत्र में मैरोनी विधानसभा में कई लोगों को पता भी नहीं है कि 3 कृषि कानून थे क्या। अरे लोगों को तो बहुत कुछ नहीं पता है, लोगों को तो यही नहीं पता है कि बहुत सारे सिलेंडर बट गए, वो आज भी चूल्हा ही फूंक रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि योजनाओं का लाभ कैसे लेना है, ये भी एक बड़ी समस्या है। रुपेश जी अब आप ये समझाइए जरा, जो विकास का, जो विकास की जो बात होती है उस पर भी थोड़ी बात कर लें, हालांकि इस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है, चाहे कितने चुनाव बीत जाएं, आज के बाद अगर 2 दशक के बाद भी हम साथ में बैठे होंगे तो यही कहेंगे बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ गई, इसका कभी अनंत है ही नहीं। 2007 में भी यही बातें होती थी, आज भी यही बात होती है, लेकिन फिर भी खैर कर लेते हैं, वरना लोग कहेंगे ये बातें नहीं करते, तो मुझसे तो बहुत आरोप लगाते हैं कि तुम जो काम की बात है वो नहीं करते, तो चलो काम की बात भी कर लेते हैं। ये बताइए बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे क्या काम हो रहा है ललितपुर में? बिजली तो फिर भी सही है, लेकिन हमारे इधर कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं कि वहां पे 20-25 घर है, वहां तक अभी भी बिजली नहीं जा पाई, अरे उन पे कोई गौर नहीं करता। रुपेश जैन जी से भी अभी पानी की रुपेश जी से पूछ रहा था। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उसके बाद उसने जो है जिस प्रकार से वादे किए थे कि जो चाहे सड़क हो, अस्पताल हो या
अस्पताल के अलावा अगर हम बात करें, यहाँ तक कि जितनी भी उन्होंने जो है, चाहे उज्ज्वला योजना हो या फिर जो है जितनी भी योजनाएं चल रही है, चाहे वृद्धावस्था हो, आवास हो, इसके अलावा भी जो भी मतलब यहाँ पे जितनी भी योजना है उनका जो क्रियान्वयन है वो जो है सही सिस्टम से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते जो उसका लाभ है, जो आखिरी जो तबके का जो लोग है, लाइन का आखिरी बंदा, उस तक वो जो है सही ढंग से उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, नहीं पहुंचा। ठीक है रुपेश जैन साहब, समझ गया मैं, आप जो योजना है वो लास्ट पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा उस तक नहीं पहुंची। दूसरी चीज, जो आजकल बयान चल रहे हैं, चर्बी, गर्मी, शिमला, पाकिस्तान, जिन्ना, ये सब कितना इफेक्ट डाल रहे हैं, वहां विधानसभा में कुछ इफेक्ट नजर आ रहा है इन चीजों से? पोलराइजेशन हो रहा है, हिजाब का मैटर भी एक नया आया है। जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये जो है बयानबाजी हो रही है, ये अशोभनीय बयानबाजी है। कम से कम चुनाव के माहौल में इस तरह की बयानबाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पर जो चुनाव आयोग है उसकी भी नजर होनी चाहिए। उसके साथ साथ जिस प्रकार से जो है इसका जो समाज में मैसेज जाने वाला है, ये बहुत ही खराब मैसेज जाएगा, क्योंकि ये तो विधानसभा का चुनाव है, आगे आने वाले समय में जो है कुछ दिन बाद ग्राम सभा का भी चुनाव आएगा, नगर निगम के भी चुनाव आने वाले हैं, इसका जो है असर उन चुनाव में भी देखने के लिए मिल सकता है। जी नहीं रुपेश जैन जी, मैसेज तो चला गया, अब आप ये बताइए उस मैसेज का क्या आपको फर्क कुछ नजर आ रहा है, चुनाव में किसी तरीके से प्रभावित कर रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो है बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी नजर में ये जो है इस तरह की बयानबाजी अशोभनीय है। कई लोगों से इस मामले में हमारी बात भी हुई तो उन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होना चाहिए, जो चुनाव आयोग है उसको उस पर नजर रखनी चाहिए और उन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ। जी ठीक है, अब आजकल बिल्कुल कार्यक्रम समाप्त की ओर जा चुका है, लेकिन जाते जाते एक और चीज पूछ लेंगे। नेता जब दल बदलते हैं तब एक बड़ी बढ़िया लाइन बोलते हैं कि हमने इसलिए दल बदला क्योंकि जिस दल में हम थे पहले वहां पर दलित, शोषित, वंचित, बेरोजगार, मध्यम लघु वाले, औरतों का, महिलाओं का, इनका सम्मान नहीं हो रहा था किसी का, इसलिए हम इधर आ गए। अब मैं ये सोचता हूं कि क्या जब नेता दल बदल रहे थे तो अखिलेश यादव के साथ जब बंद कमरे में बैठे होंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य साहब ने यह कहा होगा कि अखिलेश भैया वहां पर दलित, शोषित, वंचित, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा इसलिए हम इधर आना चाहते हैं। अखिलेश भैया ने तुरंत कहा होगा तुरंत निकल जाओ, तुरंत बाहर, पहले ये बताओ कितनी सीटें जीत कर दोगे, यही तो बातें हुई होगी रुपेश जी, या फिर जो सपा से बीजेपी में आए होंगे, अब उनसे स्वतंत्र देव सिंह से उन्होंने ये तो कहा नहीं होगा कि भैया वहां पर दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला, बेरोजगार, लघु मध्यम उद्योग वाले, इनका सम्मान हो रहा इसलिए आना चाहते हैं, उन्हें भी स्वतंत्र देव सिंह ने कहा होगा भग जाओ यहां से तुरंत, ये बताओ कि सीटें कितनी लाओगे भाई, यही है कि नहीं है? लेकिन खैर हम पत्रकार हैं और जनता भी हमारे साथ है तो हम लोग इसी पर बातचीत कर लेते हैं कि दलित, शोषित, वंचित और बेरोजगार, महिला और ये लघु उद्योग वाले, इनका क्या हाल है, क्या चल रहा है इनका सिस्टम, ठीक है कि नहीं है? जी देखिए मैं आपको बता दूं तो इस मुद्दे की अगर हम बात करें तो नेता जितने भी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार होता है, ना कि दलित से, ना शोषित से, ना वंचित से, ना किसी भी चीज से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारी कुर्सी सलामत रहे और उनके जो दल बदलू जो इस प्रकार के जो नेता है उनको हमारा। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है रुपेश जैन साहब, नेताओं को रुपेश जैन साहब नेताओं को बहुत गरिया लिया, लेकिन ये है कि जनता भी, जनता कम नहीं है, जो समझे कि जनता कम है, जनता बिल्कुल कम नहीं है, जितने बड़े जो नेता उससे बड़ी वाली है जनता, क्योंकि जनता जो है दरअसल यही सिस्टम पैदा करती है, कोई और सिस्टम पैदा नहीं करता, समझ रहे हैं आप, जनता ही सिस्टम पैदा करती है। एक जो सिपाही है उसके ऊपर दरोगा है, दरोगा के ऊपर कौन है, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब के ऊपर आईजी साहब, आईजी के ऊपर डीआईजी, डीआईजी के ऊपर डीजीपी साहब, डीजीपी साहब के ऊपर भी मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब के ऊपर प्रधानमंत्री साहब, तो ये, और प्रधानमंत्री के ऊपर जनता जनार्दन, और जनता जनार्दन के ऊपर फिर वो सिपाही, सिपाही के ऊपर फिर वो दरोगा, तो ये पूरी जो साइकिल है ये सिस्टम है, और इस सिस्टम में कहीं ना कहीं जनता गड़बड़ है, क्योंकि जनता ऐसी जगह चुन रही है किसी को कि वो पूरा इकोसिस्टम ठीक नहीं हो पा रहा। इकोसिस्टम तब ठीक होगा जब जनता पढ़े लिखे लोगों को जो सच में काम करना चाहते हैं, अब हमारे भैया जो चश्मा लगा के बैठे हैं समाज सेवा करना चाहते हैं, अब इन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा। अब इनको टिकट मिल जाए तो और बढ़िया से समाज सेवा कर लेंगे, क्यों भैया?
अरे हमें नहीं करना, राजनीति बहुत खराब चीज है, राजनीति से दूरी रहते हैं ज्यादा। यही समस्या है कि जब तक अच्छे लोग, जब तक भले लोग और जब तक बढ़िया लोग सुबह अखबार पढ़कर ये बोलते रहेंगे कि राजनीति बेकार है, राजनीति दलदल, हमें इसमें नहीं घुसना, तब तक राजनीति ऐसे लोगों के हाथों में रहेगी जो इसमें सच में दलबल मचाए हुए हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बढ़िया लगा आप सभी से बात करके, बहुत शानदार, मजा आया। और ललितपुर विधानसभा में 20 तारीख को बात करेंगे आपसे दोबारा, एक बार जुड़ेंगे रूपेश जैन जी, कि क्या कुछ चल रहा है, क्या हालचाल है, क्या वहां पर हाव है, क्या भंगिमा है, क्या हंगामा है, सब पर चर्चा करेंगे। 20 तारीख को यहां पर मतदान होना है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के, और तब पता लगेगा कि क्या सत्ता परिवर्तन होगा या सत्ता बरकरार रहेगी या इन सबको तोड़ते मरोड़ते हुए हाथी सरपट सरपट दौड़ जाएगा पंजे की। हालांकि अभी बात इतनी ज्यादा नहीं है, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।